शुरुआत करते हैं 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर बैन, बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने का लगाया आरोप, फिल्म प्रोड्यूसर विपुल शाह ने कानूनी लड़ाई की बात कही। फिल्म द केरला स्टोरी के क्रू मेंबर को मिली धमकी, अज्ञात नंबर से आया धमकी भरा मैसेज, मुंबई पुलिस ने सुरक्षा। द केरला स्टोरी पर घमासान के बीच आज पश्चिम बंगाल जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर शामिल होंगे कार्यक्रम में, कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान ने बढ़ाई कांग्रेस की मुसीबत, चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगा जवाब। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। मणिपुर में तनाव के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी, कई इलाकों में कर्फ्यू में दी गई है ढील, हिंसाग्रस्त इलाकों से छात्रों को निकालने का काम जारी। पहलवानों के प्रदर्शन में बेकाबू हुए किसान, जंतर मंतर पर लगे पुलिस के बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने फिर लगाए बैरिकेड्स। जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर एनआईए की रेड, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क से जुड़े हुए मामलों में चल रही है छापेमारी, सूत्रों के हवाले से खबर, एक शख्स को हिरासत में लिया गया। यूक्रेन से युद्ध के बीच आज मॉस्को में विक्ट्री डे परेड, आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करेगा रूस, जी न्यूज को रेड स्क्वायर पर लाइव कवरेज की इजाजत मिली, ऐसा करने वाला भारत का पहला न्यूज चैनल बना जी न्यूज। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म पर बैन के बाद बोले अनुराग ठाकुर, कहा तुष्टीकरण के नाम पर बंद हो राजनीति। ओवैसी ने द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, नफरत फैलाने वाली फिल्म का प्रचार करने का आरोप लगाया। द केरला स्टोरी को मिला बाबा बागेश्वर का समर्थन, धीरेन्द्र शास्त्री बोले ये फिल्म लव जिहाद की सच्चाई को सामने लेकर आई। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, माउंट आबू में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम में जुटे नीतीश, आज ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से करेंगे मुलाकात, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलने का भी कार्यक्रम है। सीएम नीतीश के दौरे पर बोले मंत्री संजय झा, कहा सभी को एक साथ लाने की हर कोशिश कर रहे हैं। नीतीश के दौरे पर बीजेपी का तंज, नित्यानंद बोले बिहार में गठबंधन फेल, 24 में फिर बनेगी मोदी सरकार। यूपी के माफिया अतीक पर उत्तराखंड में सियासत, हरीश रावत बोले लगता है बीजेपी का चुनाव चिन्ह बन गया है अतीक। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर आरोप, कहा समाजवादी पार्टी में था माफिया और गुंडों का राज। राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। मणिपुर हिंसा में 60 बेकसूरों ने गवाई जान, 231 घायल, 1700 घर जलकर हुए राख। अतीक को लेकर शिया वक्फ बोर्ड का खुलासा, चेयरमैन बोले अतीक ने वक्फ की जमीन पर किया था कब्जा। आफताब पर आज आरोप तय कर सकता है कोर्ट, हत्या के बाद श्रद्धा के किए थे 35 टुकड़े। 8 राज्यों में बने लव जिहाद कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है याचिका। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज आ सकता है फैसला। उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 12 लाख की रिश्वत लेते यूडीएच के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के बीकानेर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर मारपीट, 1 बुजुर्ग की मौत, 6 लोग बुरी तरह से घायल। यूपी के मिर्जापुर में ब्लड बैंक में लगी भीषण आग, एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी, 500 से ज्यादा वाहन फंसे। और इसी बीच एक बड़ी खबर अमृतसर से है, जहां एनएसजी की टीम पहुंची है, क्योंकि धमाका जो हुआ था उसी जगह पर जांच के लिए एनएसजी की टीम पहुंची है। कल यहां पर एक संदिग्ध बम की सूचना मिली थी और बीते 2 दिनों में 2 धमाके हुए थे और इसी वजह से अब जांच को और तेज कर दिया गया है। एनएसजी की टीम धमाके वाली जगह पर, तस्वीरें आपके सामने। तो 2 दिन में ये 2 धमाके हुए थे जिसके बाद दहशत लाजमी है, लेकिन साथ ही इसको लेकर अब जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए एनएसजी की टीम इस वक्त इस जगह पहुंची है। संदिग्ध बम की सूचना मिलने के बाद ये टीम पहुंची है और यहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन एक तरह से शुरू भी किया गया है। तो ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।
और राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। बिहार के मोतिहारी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। बिहार के जहानाबाद में ऑटो चालक ने आर्मी के जवान से की मारपीट, बुरी तरह से घायल हुआ जवान, मामले की जांच जारी। यूपी के फतेहपुर में छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों को उम्र कैद की सजा, साथ ही कोर्ट ने लगाया 35,000 का जुर्माना। कन्नौज में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी पर कार्रवाई, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कारावास। मुरादाबाद में पिता ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। यूपी के शामली में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने की फायरिंग, गोली लगने से एक महिला समेत 2 लोग घायल। मथुरा में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के बाड़मेर में ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में जानवरों का शिकार करने वाले 2 शिकारी गिरफ्तार, पुलिस को देखकर भागने में कामयाब हुए, शिकारियों को पकड़ने के बाद 2 साथी और फरार। और अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। इसराइल ने गाजा पर किए स्ट्राइक, इस्लामिक जिहाद कमांडर के घर पर किया गया हमला, 1 की मौत, 4 लोग घायल। सूडान की राजधानी खार्तूम में जारी है हिंसा, एक बार फिर गोलीबारी, अब तक 481 स्थानीय नागरिकों की मौत। स्वीडन और ब्रिटेन की सेना ने शुरू किया युद्ध अभ्यास, दोनों देशों के 26,000 से ज्यादा सैनिक हुए शामिल, 14 अन्य देश भी होंगे शामिल। यूक्रेन के बखमुत में रूस के हमले जारी, यूक्रेन की सेना भी दे रही है जवाब, ड्रोन वीडियो में दिखी तबाही की तस्वीरें। पेरू में सोने की खदान से किया गया 175 मजदूरों का रेस्क्यू, खदान में आग लगने से 27 लोगों की हो गई मौत। अपने रक्षा बजट को बढ़ाएगा न्यूजीलैंड, बजट में 38 अरब रुपए का इजाफा करेगा। सर्बिया में गोलीबारी की घटना के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने की सख्त कानून बनाने की मांग। कांगो में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही, बाढ़ की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की मौत। केन्या में बाढ़ में फंसा ट्रक, हेलीकॉप्टर से किया गया ट्रक ड्राइवर को रेस्क्यू। और चलिए आगे बढ़ते हैं विदेश की खबरों के बाद, अब आपको दिखाते हैं खेल जगत की टॉप 9 बड़ी खबरें। आईपीएल के 54वें मुकाबले में आज मुंबई से भिड़ेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। कल खेले गए आईपीएल मैच में कोलकाता ने पंजाब किंग्स से लिया पिछली हार का बदला, रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराया। कोलकाता की तरफ से आंद्रे रसल ने की शानदार बल्लेबाजी, 23 गेंदों में बनाए 42 रन, बने मैन ऑफ द मैच। कोलकाता ने जीत के साथ पॉइंट्स टीम में लगाई लंबी छलांग, 5 मैच जीतने के साथ ही 5वें स्थान पर पहुंची। डब्ल्यूटीसी फाइनल से बाहर हुए केएल राहुल, बीसीसीआई ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान, ईशान किशन को टीम में जगह मिली। राहुल के रिप्लेसमेंट के साथ ही 3 स्टैंडबाय खिलाड़ियों के नामों का भी हुआ ऐलान, ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार सूर्य को मिली जगह। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का समापन, भारत के खाते में आए 3 सिल्वर मेडल। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान, गोलकीपर सविता संभालेंगी टीम की कप्तान। त्रिकूद एथलीट प्रवीण ने बनाया है नेशनल रिकॉर्ड, क्यूबा में एक प्रतियोगिता में 17.37 मीटर की कूद में बनाया कीर्तिमान। और अब देखते हैं मनोरंजन की सुर्खियां, टॉप 9 बड़ी खबरें। कॉन्सर्ट के दौरान चोटिल हुए सिंगर अरिजीत सिंह, फैंस ने की बदसलूकी, अरिजीत को फैन ने स्टेज से खींचा। फिल्म सिर्फ एक ही बंदा काफी है का ट्रेलर रिलीज, वकील के रोल में नजर आएंगे मनोज वाजपेयी, 23 मई को Z5 पर स्ट्रीम होगी फिल्म। एक्ट्रेस विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म नियत की रिलीज डेट आउट, फिल्म 7 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म जोगीरा सारा रारा का नया गाना बबुआ हुआ रिलीज, गाने को सुवर्णा तिवारी और आनंदी जोशी ने दी है आवाज, फिल्म 12 मई को रिलीज होगी। एकता कपूर और रिया कपूर ने फिर मिलाया हाथ, नई फिल्म पर कर रही हैं काम, सूत्रों के हवाले से खबर, फिल्म 22 सितंबर को होगी रिलीज। फिल्म RRR के एक बने एक बार फिर रचा इतिहास, जापान के सिनेमाघरों में फिल्म ने पूरे किए 200 दिन। देसी स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर ने आवाज को आवाज देंगे शुभमन गिल, फिल्म को हिंदी और पंजाबी में डब किया जाएगा, फिल्म को आवाज देने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं गिल।
रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म लाल सलाम का पोस्टर रिलीज, मोहिद्दीन भाई के किरदार में नजर आएंगे रजनीकांत। लॉर्ड्स ऑफ वॉर के सीक्वल में नसात नजर आएंगे निकोलस केज और बिल स्कार्सगार्ड, जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। और आगे बढ़ेंगे नौकी न्यूज में, अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। बागपत में निकाय चुनाव के प्रत्याशी ने ऊंट पर बैठकर किया चुनाव प्रचार, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। बागपत में ही निकाय चुनाव के उम्मीदवार ने लोगों को बांटी बिरयानी, प्रशासन ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी। यूपी के हरदोई में महिला ने ज्वेलर को चप्पल से पीटा, सामने आया सीसीटीवी वीडियो, पुलिस कर रही है मामले की जांच। रायबरेली में शादी में मामूली कहासुनी में जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दबंगों ने पत्थरबाजी की, कई लोग घायल। मुजफ्फरनगर से सामने आया पुलिस की दबंगई का वीडियो, युवक को बीच सड़क पर पीटा। लखनऊ में बाइक सवार युवक ने किया खतरनाक स्टंट, तेज रफ्तार में खड़े होकर चलाई बाइक। हरदोई में आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्तों ने बंदर पर हमला किया, बंदर की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में जंगली हाथी ने कार पर किया हमला, बाल बाल बचे कार सवार। Z News.